चलिए भसीन के बेहतरीन शेयर, भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। कल तो भसीन साहब बैंकिंग ने और फार्मा ने बाजार को सपोर्ट दे दिया, हालांकि ये ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी नहीं रही, फिर भी हमने रिकॉर्ड बनाया है। तो बाजार पर एक आपका टेक चाहिए और कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिप्पी और सृष्टि को। हाँ देखिए, मैं आपको कब से कह रहा हूँ प्राइवेट बैंक चलने चाहिए और मिड कैप में ओवरबॉट है, पैसा घर ले जाइए, और कर वही हुआ। लेकिन जिस ब्रेथ से प्राइवेट बैंक ने पार्टिसिपेट किया, आई थिंक सब मंदी वालों के सौदे कटवा दिए, और इट वॉज सुपर ऑफ द रैली। और हम ये सोच ही रहे थे कब आएगी, लेकिन कल आई तो बहुत जोर से आई। अभी भी मुझे लगता है बैंक निफ्टी 50,000 जाएगा, जिस तरह से मोमेंटम है, जिस तरह से फ्लोस है, तीसरा बॉन्ड यील्ड और डॉलर उसपे और एक आइसिंग ऑन द केक है। तो मैं जैसे आपको कह रहा था, अभी भी आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, यहां से 10% की मूव एचडीएफसी में लग रही है, जो 50,000 ले जाएगी बैंक निफ्टी को। एयू बैंक, छोटे बैंकों में डीसीबी और धनलक्ष्मी बैंक, ये सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मिड कैप में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी भी शायद जारी रह सकती है, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि कल सोना ऑल टाइम हाई पे गया है, और मुझे लगता है कि उसके जो लेंडर्स हैं, क्योंकि अब और बिजनेस जाएगा मुथूट और मनापुरम, वहां पे लेने की आपको बहुत अच्छा एक मौका है। तो मिक्स बैग है, कुछ शेयर्स भी हैं, कुछ अपडेट्स भी हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन जी, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। बताइए सर, कौन से स्टॉक्स फोकस में है, क्या कुछ अपडेट्स पहले में आते हुए दिखे, और आज के लिए कहाँ पे रखें नजर? हाँ सृष्टि, देखिए कल मैंने आपको एचडीएफसी लाइव दिया था और पेयर दिया था बजाज फाइनेंस शॉर्ट करने को, वो दोनों अच्छा मूव दे गए। एचडीएफसी 2% ऊपर था, बजाज फाइनेंस 4% नीचे। अब ऐसे दिन पे आपको कल वॉलेटाइल डे था, पैसा बनाने का मौका मिला इन द फर्स्ट हाफ, तो लीजिए। आज मेरा फिर दो पिक्स है, मुथूट मनापुरम और एचडीएफसी। मुथूट और मनापुरम को और मार्केट शेयर मिलेगा, और सोने का भाव ऊपर जाने का मतलब डेलिंक्वेंसीज और कम होती है, और जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी है वो मार्जिन और बढ़ता है इससे। तो मुथूट को 1500 का टारगेट है, मनापुरम कैन गो टू 195-200 लेने की, इसमें आप रखिए स्मॉट स्टॉप लॉस 165 का उस मनापुरम पे है, 1320 मुथूट का। और मेरा फेवरेट एचडीएफसी, पहली बारी 1340-50 एक महीने बाद आया है, ये 1600 का टारगेट है मेरा, थोड़ा सा इसमें संयम रखिए। लेकिन जैसे मैंने कहा 2x प्राइस टू बुक, आपको सबसे बढ़िया और सबसे दिग्गज बैंक, 5th largest इन द वर्ल्ड मिल रहा है, उसमें जो ओवरहैंग था स्टॉक्स का वो खत्म हो गया। और अगर बैंक निफ्टी ने 50,000 जाना है तो एचडीएफसी बैंक यहां से लीड करेगा। मैं यहां भी कह दूं, मैंने आपके शो पे एक महीने से कह रहा था स्पेशलिटी केमिकल मत मिस कीजिए, टाटा केमिकल और एसआरएफ मेरे दो पिक्स थे। टाटा केमिकल ने गजब की रैली दी, दो दिन में न्यू हाई पे चले गया, और मैं ये 1000, 1130, 980 इस लेवल पे बहुत जोर से सजेस्ट कर रहा था। टाटा केमिकल, एसआरएफ अभी भी लेने वाले हैं, कहीं भी डिक्लाइन मिलिए तो सृष्टि जी इसमें शिफ्ट कीजिए। एक और सवाल, देखिए पूरे टाटा ग्रुप ऑफ शेयर्स में जोश है, और ये भी बात चल रही है कि सितंबर तक टाटा सन्स, सितंबर 2025 तक टाटा सन्स का भी आईपीओ जो है आ सकता है। इसको लेकर देखिए सभी टाटा ग्रुप ऑफ शेयर्स में एक्साइटमेंट है। आपसे समझना चाहेंगे सर, कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इस आईपीओ से, क्योंकि बात चल रही है कि टाटा केमिकल्स जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, और इस खबर को आप कैसे रीड करते हैं? बिल्कुल सृष्टि, वैसे भी टाटा केमिकल का बिजनेस हैज बॉटमड आउट ऑन द मार्जिन फ्रंट। मुझे लगता है चाइना कमबैक विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग, और स्पेशलिटी केमिकल पर्टिकुलरली दी अदर बिजनेसेस फ्रॉम टाटा कंज्यूमर जिसमें है, फ्रॉम फर्टिलाइजर टू सॉल्ट टू यूरिया फॉस्फोटिक एसिड, सब कुछ उनका बहुत बढ़िया चल रहा है, और प्लस इट्स द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन टाटा सन। तो ये आंखें बंद करके लीजिए, फिर मत कहना टाटा केमिकल का या टाटा ग्रुप का शेयर मिलने का मौका नहीं मिला। हाँ रैली बहुत स्ट्रांग आई है, थोड़ा अभी रिलीज थोड़ा नीचे, लेकिन 1500 का टारगेट मुझे टाटा केमिकल पे हर हालत में दिखता है इन द नेक्स्ट 6 months। मैंने दूसरा भी आपको पिक दिया एसआरएफ, वो भी मुझे बहुत पसंद है, और टाटा का अगर आपको लेना ही है तो वीकर डॉलर पे टाटा स्टील अब इस भाव पे बहुत अच्छा है, अलॉन्ग विद टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन मैंने डिप्पी जी को 1700-1720 पे बहुत कहा था कि अंडरग्राउंड फाइबर पे उनको बहुत फायदा होना है, दिस स्टॉक विल डू वेरी वेल, लेकिन अब 2000 पे मैं उसे चेस नहीं कर सकता।
ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने हमको अच्छा गाइड किया सर टाटा ग्रुप में, और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है ये टाटा केमिकल्स को लेकर, और एक काबिले तारीफ है। एचडीएफसी बैंक तो आपने कई बार हमको पहले भी सिप के बारे में बोला, और आपने ये भी बताया था कि 1350 अब नहीं आएगा एचडीएफसी बैंक का। उस दिन के बाद से एचडीएफसी बैंक 1350 नहीं आया, और अब आप देखो 1575 के टारगेट आपकी तरफ से आ रहे हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारा हौसला अफजाई की और साथ ही साथ अच्छे शेयर्स के साथ अपडेट भी दिया। ये बहुत ज़रूरी होता है, अपडेट मिलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पता लगता रहे आखिरकार हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।